Hello friends, welcome to Nifty Analysis from tradingfab.in. Today 20th August है, Tuesday है, हफ्ते का second trading session है और ये week monthly expiry का last week है, तो काफी volatile movements हमें इस आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो शुरू करते हैं Nifty Analysis, global market के हालात से शुरू करेंगे, नजर डालते हैं उसके ऊपर। कल हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव संकेत थे और आज के लिए देखें तो डाउ जोन्स और नासडैक हरे निशान में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में बंद हुए, ज़बरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है लास्ट टू डेज से। यूरोपियन मार्केट भी उछाल के साथ बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई इंडेक्स 142 के बढ़त के साथ बंद ट्रेड कर रहा है और चाइना मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। हांगकांग मार्केट 167 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 48 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी 27 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से कंटिन्यू सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के लिए पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, तो इसका निफ्टी के ऊपर क्या असर गिरेगा देखते हैं। आज एक इक्विटी स्टॉक के बारे में भी हम एक डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो एट द एंड निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाने के बाद वो देखेंगे हम। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि हम लगातार कुछ पास्ट वीडियोस से कहते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है वीकली चार्ट में। लास्ट वीक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वीक बुलिश कैंडलस्टिक बना था और कल के वीडियो में भी हमने कहा था कि वेट करना होगा कि अगर निफ्टी लास्ट वीक का हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है, तो इस न्यू वीक में फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही निफ्टी ने लास्ट वीक का हाई ब्रेक कर दिया और फिर से एक बार हायर लो का पैटर्न बनने की उम्मीद यहाँ पर दिख सकती है। हालांकि अभी सिर्फ फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है और निफ्टी ने लास्ट वीक का हाई ब्रेक कर दिया है, तो कंटिन्यू सिक्स ट्रेडिंग सेशन में हमें हायर हाई हायर लो पैटर्न दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश है, कॉशियसली ट्रेड कीजिए। ये हफ्ता लास्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी इस वीक में है, तो और भी वोलेटाइल मूवमेंट आ सकता है। तो स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट पर चलते हैं, डेली चार्ट में भी स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है और अभी आरएसआई की बात करें तो ओवरबॉट जोन में फिर से चला गया है, 7200 ओवरबॉट जोन कहा जाता है। मैकडी ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और दोनों भी सपोर्टिव इंडिकेटर्स हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। हमने जो एंड्रयू पिचफॉर्क टूल यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के लिए यहाँ पर वो ड्रॉ किया था, आप देख सकते हैं उसका अपर लेवल का भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ से और भी ऊपर की तरफ एक बाउंस हमें दिखाई दे सकता है और हो सकता है फिर उसके बाद एक करेक्शन आ जाए, क्योंकि ये जो अपर लेवल है वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। अभी अगर यहाँ से भी अगर ऊपर की तरफ और मूव होता है तो हमें एंड्रयू पिचफॉर्क टूल यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया ट्रेंड बन सकता है यहाँ से। तो फिलहाल स्ट्रक्चर डेली चार्ट में भी बुलिश बना हुआ है, डोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद जो फ्राइडे का कैंडल था वो डोजी फॉर्मेशन था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर कल फॉर्म होते हुए हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल सिनारियो डेली चार्ट और वीकली चार्ट का काफ़ी बुलिश है। चलते हैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे। कल जैसे कि हमने ब्रेकआउट लेवल मार्क किया था यहाँ पर 11604 और फर्स्ट टारगेट हमारा था 11621 और सेकेंड टारगेट 11637। आप देख सकते हैं जैसे ही ओपन हुआ तो हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ये ओपन हुआ, 11604 के ऊपर ये ओपन हुआ और जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से ये अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया और हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए। ये था हमारा कल के एनालिसिस का एक छोटा सा क्विकली रिव्यू, काफ़ी अच्छा कल प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था। चलते हैं आज निफ्टी में क्या हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी। यह है 60 मिनट का चार्ट,
अगर आज अगर निफ्टी लास्ट डे का हाई अगर ब्रेक करता है जो कि 11700 के पास है, ये अगर ब्रेक करता है उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11730। ग्लोबल मार्केट बुलिश है, हम जैसे कि शुरुआत में देख चुके हैं ग्लोबल मार्केट बुलिश है, तो कल जैसे गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है आज भी गैप अप ओपन हो जाए और 11730 के आसपास अगर ओपन होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बाय कीजिए और तभी हमारा टारगेट होगा 11768। ठीक है, अगर नहीं ओपन हुआ गैप अप ओपन और 11700 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन हुआ तो बाय कीजिए और फर्स्ट टारगेट 11730 रखिए। गैप अप ओपन हुआ और 11730 के आसपास ओपन हुआ तो इसके ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो ही बाय कीजिए और फर्स्ट टारगेट 11768 का रखिए। ठीक है, और अगर यहाँ से निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होता है तो ये पिवट पॉइंट का जो लेवल है 11662, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए इंट्राडे के लिए और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 11624। ठीक है, तो ये है हमारी लेवल्स। मैं अगर यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज़ करूँ और उसके हिसाब से प्रोजेक्शन के लेवल्स यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ, ये लो हाई और लो पकड़ के मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया है तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने ये 100% का लेवल 11695 यहाँ पर अचीव किया और थोड़ी सी यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। तो अगर निफ्टी आज अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो मैं यहाँ पर और एक लेवल ऐड कर देता हूँ 123.8, तो 11733 ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। हालांकि इसे टारगेट भी कह सकते हैं लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, गैप अप ओपन होता है इसके आसपास तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही बाय कीजिए। ठीक है, तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल द्वारा हमने कुछ प्रोजेक्शन लेवल यहाँ पर देखे। यह है हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी आज के लिए निफ्टी के लिए। मैंने आपसे एक स्टॉक के बारे में कहा था जिसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो है ओरिएंट रिफैक्टरीज लिमिटेड। यह है उसका डेली चार्ट ओरिएंट रिफैक्टरीज लिमिटेड का। कल आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, कल इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, अपना जो ऑल टाइम हाई लेवल था 251 का वो इसने ब्रेक किया और काफ़ी कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन होते हुए क्लोज हो गया। वॉल्यूम देखे तो ज़बरदस्त इंक्रीज दिखाई दिया वॉल्यूम में, कल ये 14% अपसाइड इसने मूवमेंट दिखाया हमें और RSI की बात करें तो वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना के ओवरबॉट जोन में अभी ट्रेंड कर रहा है। और ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर RSI ने भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, हालांकि ये एग्जैक्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन नहीं है, अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन है जो हमें W पैटर्न दिखाता है यहाँ पर। ये देखिए ये W पैटर्न हमें दिखा रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, जो फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक का वो भी बुलिश है, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है, अगर हम इसे बाय करना है हमें तो जो कल का हाई बनाया था 274.95, तो 275.5 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो ही बाय कीजिए। ठीक है, कल 14% का यहाँ पर जंप देखने को मिला था, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, तो अगर 275.5 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो ही इसे बाय करें और ऊपर में 2 या 3% के लिए अपना टारगेट रखें। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड थ्रू ट्रेडिंग करने आता है तो आप और भी ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा जो टेक्निकल लेवल है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा लेकिन टेक्निकली यही स्टॉप लॉस करेक्ट है, 232 का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। 275.5 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 232 का। ठीक है, सो आज के लिए हमने निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाई, एक वीक स्टॉक देखा जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।